गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमन योर इंग्लिश टीचर। टूडे वी विल लर्न अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इनडेफिनेट टेंस भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका यूज देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ होता है। द सिंपल पास्ट इज यूज फॉर एन एक्शन कम्प्लीटेड एट सम टाइम इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है ऐसी क्रिया के लिए जो कि पास्ट में कुछ समय पहले कंप्लीट हुई हो। वहां कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, आई बॉट अ बाइक यस्टरडे। मैंने कल एक बाइक खरीदी। तो यहां पर जो क्रिया हुई है कुछ समय पहले और पास्ट में हुई है, तो हमने कौन सा टेंस यूज किया है? सिंपल पास्ट टेंस। अब आप सीखेंगे इसकी पहचान। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इनडेफिनेट टेंस की पहचान क्या है? कि वाक्यों के अंत में हमें लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में किसका प्रयोग होगा? लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम आया, या कह सकते हैं राम गया, राम नाचा, वह सोया, वह गया, वह बोला, वह रोया। तो ये जो है इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में हमें जो है लिया, दिया, आया, ये जो है सभी वर्ड्स मिलेंगे। नेक्स्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड, और इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो है सेकंड फॉर्म। आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। लेट अस लर्न अबाउट रूल व्हेन सेंटेंस इन अफर्मेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव फॉर्म में जो है क्या रूल अप्लाई होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे। राम स्कूल गया, ये सिंपल पास्ट टेंस का जो है वाक्य है, और हमने रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले राइट करना है सब्जेक्ट जो कि है राम, देन सेकंड फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। सेकंड फॉर्म वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया हुई है कि वो स्कूल गया है, गया, उसके लिए हमने यूज किया वेंट जो कि गो की सेकंड फॉर्म है। देन यूज करना है ऑब्जेक्ट जो है स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट इज उसने पत्र लिखा। उसने शब्द हम लड़के के लिए भी यूज कर सकते हैं और लड़की के लिए भी। अगर लड़के के लिए यूज किया है तो सब्जेक्ट होगा ही, अगर लड़की के लिए यूज किया है हमने तो सब्जेक्ट होगा शी। देन यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया क्या हुई है यहाँ पर? लिखा, लिखा के लिए हमने लिखा रोट जो कि राइट की सेकेंड फॉर्म है। ही या शी रोट, ऑब्जेक्ट है लेटर, अ लेटर। ही रोट अ लेटर, या कह सकते हैं शी रोट अ लेटर। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। इसके लिए हम जो रूल अप्लाई करेंगे वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट राइट करेंगे, देन डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस में, देन यूज करेंगे नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपने ध्यान देना है कि यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज करना है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे। राम स्कूल नहीं गया। राम सब्जेक्ट है तो हमने राइट किया, उसके बाद राइट करना है डिड, उसके बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। राम डिड नॉट, इसे आप डिडंट भी लिख सकते हैं। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे गो। यहां आप वेंट नहीं राइट करेंगे, यहां आप वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट नहीं करेंगे, क्या राइट करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट, राम डिडंट गो टू स्कूल फुल स्टॉप। मैंने पत्र नहीं लिखा। मैंने सब्जेक्ट राइट किया हमने आई, देन यूज करना है डिड, और उसके बाद नॉट, आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे यहां पर,
राइट और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेटर. ही डिडंट राइट अ लेटर. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे डिड, देन सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, जहां प्रश्न पूछा गया हो तो इन वाक्यों के अंत में किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का. एक बार दोबारा से रूल देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट करना है डिड, देन यूज करना है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल से समझेंगे. क्या राम स्कूल गया, क्या राम स्कूल गया. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे डिड, उसके बाद है सब्जेक्ट जो है राम, डिड राम, फर्स्ट फॉर्म गो और देन ऑब्जेक्ट स्कूल. डिड राम गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क. क्या मैंने पत्र लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे डिड और उसके बाद सब्जेक्ट जो कि है आई, डिड आई, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म राइट, डिड आई राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क. नाउ वी विल प्रैक्टिस इन एक्सरसाइज वन. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड क्वेश्चंस. आपको ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं क्या करना है, पहले इसे नेगेटिव में चेंज करना है उसके बाद क्वेश्चंस में. फर्स्ट सेंटेंस है द बर्ड फ्लू, तो आपने इसे नेगेटिव में चेंज करना है. नेगेटिव में क्या रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट करेंगे द बर्ड, देन यूज करेंगे डिड और उसके बाद नोट, द बर्ड डिडंट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. फ्लू है यहां पर सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करनी है नेगेटिव में, तो क्या लिखेंगे फ्लाई, द बर्ड डिडंट फ्लाई. अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में चेंज करना है, तो क्वेश्चन में चेंज करने के लिए क्या रूल है, सबसे पहले डिड का यूज होगा, डिड देन यूज होगा उसके बाद सब्जेक्ट जो कि है बर्ड, डिड द बर्ड और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, डिड द बर्ड फ्लाई, क्वेश्चन मार्क. इसी वजह से आपने बाकी सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करनी है.